देश में कोरोना संकट और उसके प्रकोप को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबलों को सस्पेंड कर दिया गया है। आईपीएल के 14वीं सीजन के लिए 6 आयोजन स्थल थे, इनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई शामिल था। चेन्नई और मुंबई ने अपने मैचों की मेजबानी अच्छे तरीके से की थी और अहमदाबाद तथा दिल्ली बाकी बचे मैचों की मेजबानी कर रहे थे। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने एएनआई से बातचीत में जानकारी दी है कि आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और तेज गेंदबाज संदीप वॉरियर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद आईपीएल के सीजन में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ होने वाले कोलकाता के मैच को भी टाल दिया गया था। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी कोच एल बालाजी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बीच में बुधवार को होने वाला मैच स्थगित कर दिया गया था। सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मैच भी स्थगित कर दिया गया था क्योंकि केकेआर के गेंदबाजों संदीप वॉरियर्स और वरुण चक्रवर्ती का परीक्षण पॉजिटिव आया था। तो ओवरऑल अगर मैं आपको खबर बताऊं जो कि आईपीएल 2021 के 14वें सीजन से जुड़ी है, जो कि बिल्कुल एक बुरी खबर है जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, खेल प्रेमी हैं, बिकॉज जितना डिप्रेसिंग इन्वायरमेंट इस वक्त और इंडिया में चल रहा है, उस इन्वायरमेंट में अगर आप कहेंगे कि थोड़ा सा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो आपको देखने को मिल रहा था वो आईपीएल देखने को मिल रही थी, लेकिन आईपीएल 2021 यानी कि जो संस्करण चल रहा है, ऑनगोइंग एडिशन, उसको अभी के लिए टाल दिया गया है। और जो भी डेट आएगी, जो रिपोर्ट्स आ रही है, उसके हिसाब से ये कि फ्यूचर डेट्स डेफिनेटली अनाउंस की जाएंगी, फ्यूचर विंडो देखा जाएगा, लेकिन आईपीएल 2021 का जो संस्करण चल रहा है और आधा बेसिकली ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट हो गया था और हाफ ऑफ द टूर्नामेंट रह गया था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो केसेस आए हैं इन पे कंट्रोल पा लिया जाएगा, बट 5 सिक्योर बबल में एक एक करके केसेस आ रहे हैं, जो कि अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो फैसला उन्होंने सही किया है ताकि केसेस और ना बढ़े। एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था फैंस के लिए, वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आईपीएल 2021 को अभी जो रिपोर्ट आ रही है और जो कंफर्म भी किया बीसीसीआई ऑफिशियल ने, राजीव शुक्ला ने, उन्होंने ही बताया कि अभी के लिए इसको टाल दिया गया है। फ्यूचर में डेफिनेटली जो डेट्स आती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, हम डेफिनेटली आपको अपडेट देंगे। तो इस तरह की अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नए वीडियोज वो अपलोड करते हैं तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। ओवरऑल ये खबर बुरी है जितने भी खेल प्रेमी उनके लिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।